अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट यमी अपम की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है और बहुत ही झटपट से बन के ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और साथ में शेयर करूँगी इसके साथ खाई जाने वाली पीनट और कोकोनट की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। तो देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट है ये चटनी। और अपम की रेसिपी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है, आप रोज़ इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी मूंगफली ले ली है और इसे मैंने भून के इसका छिलका निकाल लिया है। और आधी ही कटोरी मैं चना ले रही हूँ, जो रोस्टेड चना होता है वो मैंने लिया है और इसका जो छिलका होता है उसे मैंने निकाल लिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ नारियल, अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छा। और 3 से 4 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे, 5 से 6 हरी मिर्ची, तो मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही, ये बिल्कुल भी घर का बना हुआ है। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नींबू का रस और इसको ढक्कन लगा के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ग्राइंड करके इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और स्मूथ लग रहा है, तो लग रहा है ना एकदम गाढ़ा स्मूथ एंड क्रीमी। इसमें हमने दही ऐड किया इसके लिए इसका टेक्सचर इतना स्मूथ और क्रीमी है। तो अब इसको लगा लेते हैं हम तड़का। तो इस मज़ेदार से तड़के को तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है और उसमें 1 चम्मच राई ऐड करेंगे। राई को क्रैकल होने देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स और लाल मिर्ची। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, हम तड़के को ट्रांसफ़र कर देंगे इस बाउल में और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे हम। बस ये मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो गई है। और नेक्स्ट हम बनाते हैं अपम का बैटर। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ रवा यानी सूजी। आप बारीक और मोटी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो इसे हम ऐड कर देंगे मिक्सी जार में और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ उसी कप से 1/2 कप पोहा, और पोहा से इसको टेक्सचर बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो उसे हम ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच शुगर यानी चीनी और उसी कप से 1/2 कप हम दही ऐड करेंगे, और ये बिल्कुल भी फ्रेश दही है। और इसी कप से हम अभी 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे। तो अभी हम 1/2 कप पानी डाल रहे हैं इसमें। और बस इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से पीस लेंगे एक स्मूथ गाढ़ा बैटर मिलने तक। देखिए कितना स्मूथ और गाढ़ा बैटर ये तैयार हुआ है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का ये बैटर हमें चाहिए। और अब हम मिलाएंगे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, लेकिन उससे पहले तवा को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसमें हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद किसी भी कपड़े या टिश्यू पेपर से इसको हम पोंछ लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और चलिए उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच इनो, और अगर आपको इनो नहीं मिलाना है तो आप इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। और इसको जल्दी से मिक्स करना है, तो जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे ये जो बैटर है लाइट होते जाएगा और ये फूलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग आ गया और ये एकदम लाइट हो गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और चलते हैं इसको अपम बनाने के लिए। इस बैटर में से हम 1 चम्मच लेंगे और इस तवे पे डाल देंगे और चम्मच की मदद से ही एकदम हल्के हाथों से इसको स्प्रेड कर देंगे, फैला लेंगे। तो बस इसे ऐसे ही पकने देना है हमें। इसको पकने में
2 से 3 मिनट लगेंगे। और देखिए कैसे जैसे जैसे ये पक रहा है इसमें जाली जैसी हो रही है, खड्डे जैसे हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये पकेगा तो इसकी जो सतह हैं वो ड्राई होते जाएगी। तो देखिए ऊपर से ये एकदम ड्राई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये एकदम ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो मैं पलट के भी दिखा देती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा और यमी ये अपम बनके हमारा तैयार हुआ है। तो एक मैं और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। 1 स्पून हमें ये बैटर लेना है और तवे पे स्प्रेड करना है, हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। फ्लेम हमेशा लो ही रखना है, और अगर फास्ट रखेंगे तो पूरा बैटर चम्मच में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो देखिए ये अपने आप निकल जाएगा तवे से, और देखिए ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर एक टिप शेयर करूँगी फ्रेंड्स, जब आप इसे निकालें तो एक बड़े प्लेट या परात में रखें ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि ये जब गर्म होते हैं तो फिर एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं। तो इसको दूर दूर हम रखेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम हमारा ये अपम बन के तैयार हो गया है, और चटनी भी इसके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लग रही है। तो इस हेल्दी नाश्ते को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।